नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर डेली डोज में। हम आज लेके आए हैं आपके लिए विश्व भारत के भूगोल का वॉल्यूम 2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि जितनी भी आपकी आगे आगामी जो परीक्षा है उनमें ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं। ये विगत परीक्षाओं में भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं इनमें से कुछ, और कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और इसको जरूर ध्यान से देखें, और हमारे वीडियो को जरूर अगर आपको पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ना दबाना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है टेहरी जल विद्युत इकाई किस नदी पर स्थित है। देखिए, टेहरी जल विद्युत इकाई, ये टेहरी जगह का नाम है जहाँ पर ये स्थित है, और ये टेहरी जगह जो है वो आपकी आती है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। अब टेहरी जल विद्युत इकाई की बात करते हैं, तो ये टेहरी बांध जो बनाया गया है, ये बनाया गया है भागीरथी पर, भागीरथी नदी पर। ये गंगा की सहायक नदी है भागीरथी, जिस पर बनाया गया है। और इसकी बांध की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 260.5 मीटर ऊंचा है बांध, जो कि विश्व में 5वें नंबर पे है, 5वां स्थान है विश्व में इसका, विश्व में 5वां स्थान है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, 5वां स्थान है इसका। और अगर देखें तो देखिए, ये जो टेहरी बांध मैंने आपको बताया है, टेहरी बांध के बारे में, ये टेहरी जगह का नाम है, उत्तराखंड में है ये जगह, ये 260.5 मीटर ऊंचा है, भागीरथी नदी पर है जो कि गंगा की सहायक नदी है, और इसका 5वां सबसे ऊंचा बांध है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, गंगा सागर नाम का वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है। देखिए, जो गंगा सागर जो वार्षिक मेला है, ये कुंभ के मेले के बाद में दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो कि आपके पश्चिमी बंगाल के सागर द्वीप में लगता है, सागर द्वीप में लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पश्चिमी बंगाल के सागर द्वीप में लगता है। और इसके बारे में बात करें तो देखिए, जनवरी में 6 दिन लगता है, जनवरी में 6 दिन लगता है। अब इसकी बात करते हैं तो जो श्रद्धालु जो आते हैं, वो श्रद्धालु यहाँ पर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में आपका स्नान करते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद में एक कपिल मुनि दर्शन, कपिल मुनि मंदिर के दर्शन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पश्चिमी बंगाल। देखिए, अगला प्रश्न है, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है। समताप मंडल की जो ओजोन गैस की जो खोज की थी, वो की थी आपके एक तो 1913 में की थी, और 1913 में जो की थी चार्ल्स फबरे, और एक आपके थे हेनरी विब्सोसन। ठीक है, विब्सोसन, तो इन्होंने की थी, इन दोनों ने इनकी खोज की थी ओजोन गैस की। अब बात करते हैं तो देखिए, जो आपके जीवीएम डब्सन थे, जीवीएम डब्सन ये भी वैज्ञानिक थे, इन्होंने ओजोन गैस के गुणों के बारे में पता लगाया था कि इनके गुण क्या होते हैं, ओजोन गैस के गुणों के बारे में अध्ययन किया था जीवीएम डब्सन ने। और इन्होंने ही इसकी मोटाई, इसकी जो मोटाई के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया था, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, जो कि इसकी ये जीवीएम डाफसन के द्वारा बनाया गया था, जो कि ओजोन परत की मोटाई की नापने में काम में लिया जाता था। तो इन्होंने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया, जो कि आपका ओजोन परत की जो मोटाई है उसको नापने के लिए लिया जाता था। अब इसकी मोटाई की जो इकाई जो थी वो रखी गई थी डाफसन, डाफसन इकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डाफसन इकाई में इसको हम मापते हैं, इसकी मोटाई को, ओजोन गैस की परत की मोटाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डाफसन इकाई। अगला है, देखिए अगला है आपका, चैचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है। देखिए, चैचू जनजाति जो है नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश क्षेत्र के वन्य जीव से संरक्षित है, ये वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है वहां पर। और इसकी बात करें तो देखिए, ये दक्षिण भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, चैचू जनजाति जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, चैचू जनजाति। और ये जो जाति के लोग हैं, चैचू जनजाति के जो लोग हैं, इनकी जो भाषा होती है उसको भी चैचू ही बोला जाता है, चैचू लैंग्वेज। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। अगला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में 0 पॉइंट का संबंध किससे है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में जो 0 पॉइंट का संबंध है वो ईरान व पाकिस्तान से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ईरान व पाकिस्तान। अगला है आपका, सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। देखिए, सिलीगुड़ी गलियारे से जो होकर गुजरता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 31 गुजरता है, और ये गुजरता है आपका बिहार में, बिहार में आपका बाहरी, तो बिहार से आपका बाहरी जो गांव है बरही, बरही गांव जो है बिहार में, बिहार में बरही गांव है आपका बिहार में,
और बरही से ये होकर गुजरता है और ये आपका आता अमीन गांव, अमीन गांव, ठीक है, यहां तक गुजरता है, बराही से अमीन गांव तक जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 1125 किलोमीटर लंबा है, 1125 किलोमीटर लंबा है। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से होकर निकलता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 31 जो है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से होकर निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग 31। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला हरित हवाई अड्डा जो प्राइवेट सरकार की साझेदारी से बना वह है। देखिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि आपके हैदराबाद में है, हैदराबाद में है ये राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि पहला हरित हवाई अड्डा है, हरित हवाई अड्डा बना है, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि सरकार और प्राइवेट दोनों की साझेदारी से मिलकर बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है आपका, किस देश को किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। देखिए क्यूबा जो एक ऐसा देश है जहां पर चीनी की सबसे ज्यादा आप चीनी को सबसे ज्यादा वहां के चीनी के उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है क्यूबा देश, और क्यूबा को ही हम चीनी का कटोरा कहा जाता है, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्यूबा। और कैरेबियन सागर के समीप स्थित है ये देश, आपका कैरेबियन सागर के समीप स्थित है ये, तो आप ध्यान रखिएगा क्यूबा देश जिसको विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है और कैरेबियन सागर के समीप स्थित है ये क्यूबा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि वहां पर चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। अगला है आपका, दक्षिण तलपट्टी द्वीप नामक क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद है। देखिए भारत और बांग्लादेश के मध्य है ये विवाद है, भारत और बांग्लादेश, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दक्षिण तलपट्टी द्वीप। अब बंगाली खाड़ी में ये स्थित है, दक्षिण तलपट्टी द्वीप जो है बंगाली खाड़ी में स्थित है, और यह द्वीप 1970 में, 1970 में मोला चक्रवात के कारण, ठीक है, ये भोला चक्रवात के कारण, भोला चक्रवात के कारण उत्पन्न हुआ था, तो इसका दक्षिण तलपट्टी द्वीप नाम रखा गया, और इसका जो विवाद जो चल रहा है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है। अगला प्रश्न है आपका, किस परियोजना को भारत मध्य एशिया और यूरेशिया के साथ व्यापार और निवेश संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। देखिए भारत मध्य एशिया और यूरेशिया के साथ व्यापार और निवेश संबंधों में विस्तार के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर को विस्तार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेली डोज में ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। धन्यवाद।